आगामी विधानसभा चुनाव के इन पहले मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के संयुक्त मोर्चा और 6 संगठनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जिन कर्मचारियों को कार्यालय में ड्यूटी पर होना था, वे हाथों में बैनर थामे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर दिखाई दिए। नारेबाजी करते हुए खंडवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे शासकीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी कर्मचारियों ने अपनी 39 मांगों के समर्थन में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे न मानी जाएगी तो इस पर उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 52 विभागों के कर्मचारियों के 39 सूत्री मांगों के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रमुख मांग है ओपीएस ओल्ड पेंशन योजना, पदोन्नति क्रमोन्नति, मध्य प्रदेश में कर्मचारी वन कर्मियों के ऊपर प्राणघातक हमले होने में 197 का प्रोटेक्टेड में और पूर्व में जो अवैध कटाइयाँ होती है उसकी ठूठों की गणना ली जाती है उसके विषय में, अन्य विषयों पर लेकर जो कर्मचारियों के पेंशनर है उनके विषय में, अनुकंपा नियुक्ति उस विषय में, उन नियमों को शिथिल करते हुए मध्य प्रदेश शासन का ये मांग हमारा मांग पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जो हमारी मांग अगर निराकरण नहीं किया जाता है तो आगामी जो निर्णय लिया जाएगा वो बहुत ही गंभीर होगा और इसके लिए शासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका परिचय बताएं। मैं मध्य प्रदेश शिव चांद्रायन, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष खंडवा।